नमस्कार दोस्तों, आज हम पुआ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने दूध में दूध लिया है थोड़ा सा कटोरी में। उसमें केला लेंगे, दो तीन केला लेंगे उसमें, और फिर उसमें हम छुहारा, नारियल गरी, किशमिश, काजू ये सब मिलाएंगे। आपने मैदे का पुआ तो बहुत खाया होगा, आज हम लोग सूजी का पुआ बनाने जा रहे हैं, जो कि मैदे जितना नुकसान नहीं करता है। अब देखिए, हम लोगों ने ले लिया और इसे एक बड़े से पतीले में ले लेना है, ताकि जब हम इसे मिलाएं तो दिक्कत ना हो। अब हम पहले इसमें चीनी थोड़ा सा ले लेंगे अपना स्वाद अनुसार, और फिर उसमें सूजी डालेंगे। अपने ज़रूरत के हिसाब से, और फिर इसे मिलाएंगे थोड़ा सा। आप लोग जैसे देख रहे होंगे, हम लोगों ने बगल में छुहारा, नारियल गरी ये सब काट के रखा हुआ है। ये आप कभी भी बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और कुरकुरा और एकदम फ्लफी बनेगा स्पॉन्ज जैसा। ये देखिए, अब इसमें हम लोगों ने नारियल गरी, किशमिश, छुहारा ये सब डाल दिया। अब इसे बढ़िया से मिला देंगे। देखिए, अब हमारा बैटर बनके तैयार हो गया। अब हम रिफाइन तेल लेंगे, उसे गरम करेंगे और उसमें उसको मीडियम आंच तक होने देंगे, ज़्यादा एकदम तेज भी नहीं। और फिर ऐसे कलछुल में लेके देखेंगे हल्का सा पहले करके, कि अगर वो ऊपर तैरने लगा तो समझ जाइए ठीक ठाक गर्म है, और फिर आप उसमें डाल सकते हैं बैटर को। इसे एकदम सुनहरा होने तक हमें फ्राई करना है अच्छे से। इसे ऐसे इधर उधर हिलाते रहिए, ताकि हर तरफ से ये फ्राई हो जाए। अब देख सकते हैं इसका कलर आने लगा है। एकदम सुनहरा कलर आने लगा है इसका। देखिए, ये कितना फ्लफी हो गया और एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया। तो अब इसे उतार देंगे। ऐसे ही हम लोग बाकी सब भी बनाएंगे। देखिए, अब हमारा सभी बनके तैयार हो चुका है। कितना मज़ेदार दिख रहा है और कितना फ्लफी है। इसे खाइए और एंजॉय कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।